नमस्कार, बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करते हैं बिहार के मधुबनी से आ रही बड़ी खबर की। मधेपुरा डीएम की गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया है। डीएम की गाड़ी से कुचलकर तीन की मौत हो गई है। हादसे में एक मजदूर घायल हुआ है और मधुबनी जिले के फुलपरास की घटना, NH 57 पर हादसा हुआ। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। सड़क हादसे में एक मजदूर महिला और बच्चे की मौत हो गई है और हादसे के बाद डीएम और उनके सारे स्टाफ फरार है। प्रशासन डीएम के मधेपुरा में होने की बात कह रहा है। हादसे के बाद डीएम की कार क्षतिग्रस्त है। आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर हंगामा किया है और मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दुख की बात है ये कि डीएम की गाड़ी भी कैसे बेकाबू हो गई। बिहार के मधुबनी में एक मजदूर महिला और बच्चे की मौत हो गई और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है। इस गाड़ी ने तीन लोगों की जान ले ली। हादसे के बाद गुस्सा है, ग्रामीणों में आक्रोश है। शव को रखकर हंगामा किया जा रहा है। परिजन मौके पर मौजूद हैं और अभी मौके से स्टाफ भी फरार है, डीएम फरार है। हादसे में मजदूर के घायल होने की खबर सामने आई है। मधुबनी जिले की ये घटना है और फुलपरास की ये पूरी घटना है। एक मजदूर महिला और बच्चे की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में कुत्तों का आतंक जारी है। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क में एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और 25 साल की इस बच्ची को नोच नोच कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं कांकेर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ने लगा है। लोग अब घर से निकलने में डर रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर 50 से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं, जिससे लोगों में डर बना है। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पूरी फौज ही कुत्तों की, पूरी एक टीम यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर रोड पर घूम रही है, जिससे आम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ चुकी है। रायपुर में मासूम को निवाला बनाया कुत्ते ने और अब आवारा कुत्तों का आतंक आप देखिए सड़कों पर भारी मात्रा में लोगों को डरा रहे हैं। और एक स्टडी, एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में लगभग 22 राज्य ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में अब इतने ज्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं कि लोग अब दहशत में आ गए हैं। तो आवारा कुत्तों के हमले में जिस तरीके से लोग बच्चे घायल हो रहे हैं, इंदौर से भी एक खबर इसी से जुड़ी सामने आई। छात्र को कुत्ते ने काट दिया। कैलोत काकड़ में 8वीं के छात्र को पड़ोसी के कुत्ते ने काटा है और काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर कुत्ते ने घसीटा भी है। पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। सवाल कई उठते हैं, सवाल कई कि अगर पालतू कुत्ते भी हैं अगर, तो उन्हें ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। और आवारा कुत्तों की बात करें तो उन पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता समय रहते। तो जिस तरीके से आपको रायपुर और इंदौर दो जगहों की घटनाएं हमने बताई और फिर हमारे साथ दो संवाददाता भी जुड़ गए हैं, युगल तिवारी हमारे साथ है और मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ है। युगल, रायपुर से आप जुड़े हैं। रायपुर ही नहीं बल्कि अगर पूरे भारत की हम बात करें तो एक स्टडी ये बताती है युगल कि 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जहां पर साल दर साल आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है। अब ऐसे में इनसे कैसे लोग पीछा छुड़ाएं?
देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक कई बार देखने को मिला है, वृद्ध से लेकर के बच्चों तक को लगातार ये कुत्ते हैं वो काटते रहे हैं। अगर हम 2022 के आंकड़े की बात करें तो प्रतिदिन 10 लोगों को डॉग बाइट की ये घटना है वो सामने आती थी। एंटी रेबीज की भी समस्या अस्पतालों में देखा जा रहा था और अभी फिलहाल एक जो 2.5 साल की जो मासूम है उसको कुत्ते ने जो हमला किया है वो काफ़ी चिंताजनक बात कही जा सकती है। इनकी जो आबादी है लगातार बढ़ती जाती है और जब भी इस तरह के आवारा कुत्तों पर कोई अत्याचार होता है या फिर कोई उसे मारता है तो डॉग लवर है वो सामने आ जाते हैं, लेकिन इसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। यही वजह है कि जो कुत्ते हैं आवारा कुत्तों का आतंक है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई निगम क्षेत्रों में इसे नसबंदी की बात कही जाती है लेकिन नसबंदी चुनिंदा कुत्तों पर होती है और इनकी जो आबादी है वो काफ़ी बढ़ती है। एक अगर कुत्ते की अगर हम बात करें तो वो प्रति साल 6 से 7 बच्चे को जन्म देते हैं और धीरे धीरे इनकी जो आबादी है वो लगातार बढ़ते जाती है। कई बार तो ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं गर्मी के दिनों में, खास करके इन्हें जब खाना नहीं मिल पाता है कुत्ते को तो ये मवेशियों के साथ साथ आम लोगों को भी लगातार निशाना बनाते रहते हैं और इस तरह की घटना आम है। अब लोग कुत्तों से परेशान है, आवारा कुत्तों से परेशान है। जब लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो सभी वृद्ध से युवा से लेकर के इन लोगों के हाथों में आपको डंडा नजर आएगा तो ये बताता है कि आवारा कुत्तों का दहशत कितना है और अपने आप को मॉर्निंग वॉक पे चलना भी जरूरी है और कुत्तों से बचना भी जरूरी है। और इस तरह की बिल्कुल युगल आपने बहुत सही बात कही है कि एक साल में अगर हम देखें तो जिस तरीके से कुत्तों की संख्या बढ़ती है उससे एक चिंता का विषय है। हालांकि नसबंदी और तमाम ऐसी चीजें कई जगहों पर की जाती है लेकिन बहुत जगहों पर ये चीजें नहीं होती हैं जिसकी वजह से जो कुत्ते हैं वो अब आम लोगों को अपना निशाना शिकार बना रहे हैं। मिथिलेश भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं, मिथिलेश इंदौर से मामला सामने आया जहां मासूम को एक डोमेस्टिक डॉग ने, पालतू कुत्ते ने काटा भी, उसे घसीटा भी। क्योंकि आवारा कुत्तों को लेकर तो बात की हमने युगल से और युगल ने बताया कि आवारा कुत्तों की संख्या कितनी बढ़ रही है लेकिन अगर हम पालतू जानवरों की बात करें उसमें कुत्ता जो हर घर में पाया जाता है लगभग भारत में तो खासकर, इन कुत्तों के लिए यूपी जैसे शहरों में और तमाम जगहों पर राज्यों में नियम है कि अगर आपके पास पालतू जानवर है तो आप बगैर मास्क के उसे बाहर लेकर नहीं जाएंगे और आप उसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते। क्या मध्य प्रदेश में यह नियम नहीं है और अब क्या लाने की जरूरत पड़ गई है? देखिए ऐसे नियम को मध्य प्रदेश में लाने की बेहद जरूरत है और नियम देखिए बनते हैं लेकिन नियम का पालन कौन करता है, नियम का पालन कितना कराया जाता है सबसे बड़ा सवाल भी यही है। अब देखिए जो ये पूरा हादसा है ये लसुड़िया थाने के केलोत कांकड़ की है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र है उसे पास में जो पड़ोसी उनके कुत्ते ने काट लिया। स्थिति गंभीर है, निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पड़ोसियों को लेकर कई बार शिकायत भी की गई थी कि थाने में कि उन्हें कई बार कहा गया है कि जो पालतू कुत्ते हैं उसे चैन लगाकर बांधा जाए, उसे अपने घर के अंदर रखें क्योंकि वो आते जाते लोगों पर हमला करता है और उसके बावजूद भी किसी ने सुनवाई नहीं की। शायद ये सुनवाई पहले होती तो हादसा नहीं होता। फिलहाल 8वीं का जो छात्र है उसे गंभीर चोट आई है क्योंकि सिर्फ काटा ही नहीं है, काटने के बाद उसे जो ये कह सकते हैं दांतों में चबा के उसे कुछ दूर तक वो लेकर भी गया तो ये तमाम बातें भी सामने आ रही थी, इसलिए चोट ज्यादा लगी हुई है, निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब देखिए नसबंदी को लेकर बात कर रहे थे अभी हमारे साथी हैं युगल रायपुर से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आंकड़ों की बात करेंगे और इनमें पैसे जितने खर्च होते हैं ये आपको कई गुना ज्यादा मिलेंगे, वास्तविकता में कहीं नजर नहीं आएगा लेकिन पेपर में सब कुछ नजर आएगा। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में हर साल करोड़ों रुपए का बजट है सीबीसी के लिए, नसबंदी के लिए, बाकायदा पेपर में वो चीज रजिस्टर्ड मिलेगी भी और उतने पैसे खर्च हुए इसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी, लेकिन हालात उसके ठीक विपरीत होते हैं। अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो आवारा कुत्ते नजर आएंगे और आवारा कुत्तों की जो नसबंदी है उस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, तो ये हकीकत कहां है? तो कोई जांच करने वाला है ना कोई कार्रवाई करने वाला है, जो कुछ है सिर्फ पेपर में, जो कुछ है सिर्फ दावे में है। तो देखिए इसके लिए धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए, युगल आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आवारा कुत्तों से बचने का एकमात्र तरीका है सावधानी, आप सावधान रहिए और कोशिश कीजिए कि आप इनके हमले से बच सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कांकेर की करेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चे पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अंतागढ़ के प्राथमिक विद्यालय कोट कुरसई का है, हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
देश का भविष्य इतने अंधकार में कैसे जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये बच्चे जो कल के हिंदुस्तान को बनाएंगे, और आज आप देखिए किस तरीके से मेहनत करने को ये मजबूर हैं। स्कूली बच्चे पानी ढोते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेहनत इतनी ज्यादा जितनी इनकी उम्र भी नहीं है। गरियाबंद में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह है। जिले में 67 समितियों के द्वारा 90 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदा जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख इमरान। धान खरीदी शुरू है और किसानों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कृषि उपज मंडी फिंगेश्वर में मौजूद हैं, जहां किसान धान बेचने आए हैं, अपने उपज को बेचने आए हैं। और ये देखिए किसानों की आप संख्या देखिए, जो बड़ी संख्या में किसान आकर ये बता रहे हैं कि इस बार फसल अच्छी हुई है। किसानों से बात करेंगे, कैसी हुई फसल? इस बार फसल बढ़िया हुआ है। हाँ। अगले दारी नहीं हो रही से, ये दारी बढ़िया हो। और समर्थन मूल्य में धान बिक रहा है, पैसा वैसा बढ़िया मिल रहा है? पैसा बढ़िया मिल रहा है। और बढ़िया यहाँ व्यवस्था? हाँ, बढ़िया है। धान और पैसा वैसा बढ़िया मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। देखिए किसानों की खुशी इस बात को लेकर है कि अब ये धान बेच रहे हैं तो इन्हें पैसा भी मिल रहा है। और बाकी किसान यहाँ पर मौजूद है, पैसे वैसे की व्यवस्था कैसे हो रहा है? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और धान खरीदी की व्यवस्था कैसे है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और इस बार बीमारी वगैरह तो परेशान नहीं किया? इस साल ठीक था, ठीक आ रहा है फसल। और धान खरीदी की व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? ठीक चल रहा है, जैसा कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बढ़िया आराम से हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, जल्दी पैसा भी जल्दी आ रहा है। जी, पैसा भी जल्दी आ रहा है, क्या बात है, पैसा भी जल्दी आ रहा है। और देखिए कि तमाम जो लोग हैं धान जो बेचने आए हैं किसान, और ये धान खरीदी को लेकर उत्साह देखिए, तमाम किसान आए हैं। कैसे हुआ है भैया धान? इस बार फसल काफी अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। और पेमेंट की सुविधा क्या है अभी? अच्छा है, 2-3 दिन में पेमेंट आ जा रहा है। आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। सामान वामान भी तो अच्छी खरीदी होगी? धान अच्छा हुआ है, पैसा भी समय मिल रहा है, तो बिल्कुल अच्छा। कितना उत्साह है अभी? धान बढ़िया खरीदी हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। किसानों की संख्या देखिए, बड़ी संख्या में धान बेचने यहाँ धान खरीदी केंद्र में वो पहुंचे हुए हैं। ये बात ही शोर इशारा करता है कि इस बार जो है किसानों का फसल अच्छा हुआ है। यही वजह है कि धान खरीदी केंद्रों में किसान बड़ी संख्या में अपने उपज को समर्थन मूल्य में बेचने पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी तेजी से चल रही है। आज से जिले में बायोमेट्रिक का उपयोग खरीदी केंद्रों में अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमेट्रिक के माध्यम से किसानों के थंब या उनकी आंखों से बायोमेट्रिक किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, वेरिफिकेशन, ताकि किसान की सही पहचान हो सके और किसान अपना धान बेच सके। जिले के धान खरीदी केंद्रों में अब तक 23,000 से ज़्यादा किसानों ने धान बेचा है। अभी तक लगभग 5 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान की बिक्री हो चुकी है। जिले में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज से बायोमेट्रिक का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका उपयोग किसने किसान के द्वारा किया जा रहा है? धान बेचने आया हूँ और बायोमेट्रिक से धान बेच रहे हैं इस साल। और अंगूठा लगवाए हैं इस बार, पहले वैसे नहीं हो रहा था, इस बार ऐसा सिस्टम नया लागू किए हैं। धान खरीदी में बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया है, उसमें आँख से भी है और फिंगरप्रिंट से भी है, उसके बिना धान नहीं ले रहे हैं। और सभी किसान मतलब बायोमेट्रिक से खरीदी किया जा रहा है सभी किसान। खबर खरगोन से है, जहां ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई और 2 की मौत हो गई है। 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई है। चालक सहित 3 की हालत गंभीर है। गंभीर स्थिति में घायलों को इंदौर रेफर किया गया। मंडी से प्याज बेचकर किसान लौट रहे थे पड़ाली के पास इंदौर रोड लाइनपुरा फाटे के पास ये हादसा हुआ है। दुख की बात, 2 वाहनों के, कार और ट्रैक्टर के भिड़ंत में 2 किसानों की मौत हो गई है। आशुतोष पुरोहित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है इस भिड़ंत को लेकर? अभी जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा, ये किसान जो है इंदौर से लौट रहे थे, खंडवा जिले के बवन गांव के किसान थे, जो प्याज बेचकर लौट रहे थे। इस दौरान बलवाड़ा थाना है उसका पड़ाली के पास पर एक जो आयसर वाहन में उसको पीछे से इनका जो टवेरा वाहन था
वो घुस गया है। इस दौरान बीती रात की घटना बताई जा रही है। अभी फिलहाल में जो दो मृतक किसान है रितेश और महेंद्र, इनका दोनों का बढ़वा पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। तीन लोग और वाहन में सवार थे जो घायल है, जिनको इंदौर रेफर किया गया था। अभी हालत उनकी नियंत्रण बताई जा रही है, चालक भी उसमें शामिल है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें दो किसानों की मौत हो गई। अवंतिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष। खबर कोरबा से है, जहां पार्किंग विवाद में जबरदस्त बवाल देखने को मिला और गार्ड ने युवती की पिटाई कर दी है। युवती ने मॉल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। थाने में मामले की शिकायत भी की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम मॉल की ये पूरी घटना है। पार्किंग के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। गार्ड ने युवती की पिटाई कर दी। युवती ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। मॉल कर्मियों पर आरोप लगाया है युवती ने मारपीट का। थाने में मामले की शिकायत की गई है। अब इस पूरे मामले की जांच के बाद ही तस्वीरें और साफ हो पाएंगी। और अब बात अंबिकापुर की होगी, जहां पति ने इंसानियत की हदें पार कर दी हैं। पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। पत्नी का हाथ पांव बांध कर आग लगाई गई है। आरोपी पति मौके से अब फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये अब तक नहीं पता चल पाया कि आखिर किस बात को लेकर पति ने इंसानियत की हदें पार की, और देखिए आखिर किस तरीके से आरोपी पति अब मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी जांच जारी है। हद पार कर दी और ये हैवानियत सामने आई है। पति की पत्नी को बांध कर, हाथ और पैर बांध कर आग के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। जिंदा जलने की वजह से पत्नी की मौत हो गई है। किस बात को लेकर पति ने इस घटना को अंजाम दिया ये अभी नहीं पता चल सका है, लेकिन पुलिस क्योंकि पूरे मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही आरोपी पति की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि मौके से आरोपी पति फरार है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, किस बात को लेकर पति ने इस तरह की हैवानियत की और अभी ये जांच कहां तक पहुंची है पुलिस की? देखिए, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान पति है, वो अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। 90% जो महिला है वो जल गई थी और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में लाया गया था। और आज जो है बीते रात जो है करीबन 8 बजे उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों जो पति पत्नी थे वो चरित्र संख्या को लेकर आए दिन विवाद होता था, और जो ये लड़की थी वो मदनपुर जो बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में उनका ससुराल था, और लगातार मारपीट होते रहता था इन दोनों के बीच। उनके पति पिता से जैसे बात की तो उनका कहना था कि वो मायके आ गई थी लड़ाई झगड़ा को लेकर, लेकिन इस दीपावली में फिर मना बुझा करके वो अपने पत्नी को लेके गया, और कल 1 बजे करीब इस वारदात को अंजाम दिया उसका पति। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इतना विवाद था कि वो हाथ उसका बांध करके पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला दिया और कुल्हाड़ी लेकर के खड़ा था, ऐसा उसके पिता का कहना है। और आज जो है यहाँ पर उसके शव को भी उसके परिवार वाले, उसके मायके पक्ष वाले लेके जा रहे हैं और अंतिम संस्कार होगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि एक हैवानियत पति ने की है और पुलिस जो है उस फरार पति की तलाश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कोरबा की फाइटर गर्ल डिंपल वियतनाम में मार्शल आर्ट का दम दिखाएंगी। आपको बता दें कि 22 नवंबर से 1 दिसंबर तक वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। छत्तीसगढ़ वोवीनाम मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश दिवांगन ने डिंपल को बधाई देते हुए बताया कि डिंपल राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी है।
और अब एक नजर डालेंगे खबरों के 2020 में।